पिया जी, चले फ्लाइट का टाइम हो रहा है। महेश जी, जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जाना जरूरी है। वो क्या है ना कि शादी के बाद जान पहचान बढ़ाने के लिए हनीमून पे जाना जरूरी होता है पिया जी। अब मुझे और जानकर आप क्या करोगे? हाँ, अगर छोड़ने का इरादा है तो बात अलग। कैसी बातें कर रही है? अभी तो हम प्यार में पड़े हैं, अभी तो प्यार पड़ रहा है। आपने सुना नहीं, प्यार एक लंबे सुनहरे सपने की तरह होता है और शादी एक अलार्म क्लॉक, बजते ही टूटता है। अरे पिया जी, ये तो पहले डराना चाहिए था ना, हनीमून पे जाते वक्त ऐसी बातें नहीं करते। आइए चले। यानी कि अगले साल ये हो जाएगा, ऐसा आप मानते हैं? जाओ, मैं नहीं आती। कैसी औरतों वाली बातें कर रही हैं पिया जी। भाई ऐसा माना जाता है, इसलिए मैंने आपको कह दिया। नहीं नहीं, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे हनीमून का क्या फायदा जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। पिया जी, फ्यूचर है, अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप मेरे साथ चलिए, मैं रास्ते में समझाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे यहीं पे अब भी कन्विंस कीजिए। पिया जी, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मैं आपको हर साल हनीमून पर ले जाऊंगा, शादी के 5 साल के बाद साल में 2 बार, और शादी के 10 साल के बाद साल में 3 बार। प्रॉब्लम आने से पहले हम प्रॉब्लम से परे हो जाएंगे, बार बार प्यार में गिरते रहेंगे, शादी नई की नई रहेगी। कहिए क्या ख्याल है? अच्छा, तो आप काम कब करेंगे और मेरे काम का क्या होगा? पिया जी, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, उसे काम कम कर देना चाहिए और प्यार को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे अगर दुनिया करने लगे ना, तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं नहीं, पर आप काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो परिवार की जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे आप? पिया जी, अब हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आदमी इतना तो कमा ही लेता है, अब पैसे कमाने का तो कोई अंत ही नहीं, जितना कमा उतना कम। और जहां तक जिम्मेदारियों का सवाल है, अगर आपके घर में सुख शांति है, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार है, तो आपकी जिम्मेदारियां आधी तो पूरी हो गई। पिया जी, प्यार से सींचे गए पौधे अच्छे पेड़ बनते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत प्यार की है, लेकिन जनाब ये प्यार ही सबसे पहले साथ छोड़ देता है, तो ये प्यार बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? आपको सदा खोजते रहेंगे, आपके नए नए गुण निहारते रहेंगे, और अगर आप चिड़चिड़ी और बोर होने लगे तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो, ना चाहते हुए भी आपको मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट, हनीमून पर जाते रहेंगे। और घर पर रहते हुए हमें गुस्सा आया तो भाई आपका काम कर देंगे, रसोई में घुसकर कड़छी हिलाने लगेंगे, और जब तक आप हंसेंगे नहीं, हम प्याज काटते रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे। पर सोच लीजिए, अगर कभी आपको हम पर गुस्सा आया तो हम आपको नहीं मनाएंगे? अरे तो पिया जी, हम अपना गुस्सा पड़ोसियों पर निकाल देंगे, आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे? ये क्या बात हुई? झगड़े के बगैर शादीशुदा जिंदगी तो बिल्कुल बोर हो जाएगी, इतना गुड़ी-गुड़ी हस्बैंड हमें नहीं चाहिए। वाह पिया जी, भाई आपने साबित कर दिया है कि औरत को खुश करना इम्पॉसिबल है। खैर, उसका भी इलाज है। भाई हमारी शादीशुदा जिंदगी शादीशुदा लगे, हम दोनों भी वही करेंगे जो ज्यादातर होता है। वो क्या? पिया जी, शादी के पहले साल मैं बोलूंगा, आप सुनिएगा, और शादी के दूसरे साल आप बोलिएगा, मैं सिर्फ सुनूंगा। इसमें झगड़ा कहाँ हुआ? भाई तीसरे साल में हम दोनों बोलेंगे और पड़ोसी सुनेंगे, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पिया जी, अब चले अपने पहले हनीमून पर। चले। चले, आइए लाइए दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा लूँ, चलिए ना, चलिए। अरे भाई, पहले दिन इतनी मेहनत लग गई, आगे क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। तंग आ गई हूँ मैं इन घर के काम काजों से, सारी जिंदगी जाया हो गई, घर के काम काज खत्म ही नहीं होते। चलो उठो। चारू, मैं सोच रहा हूँ जिंदगी का क्या मतलब है, क्यों जी रहे हैं हम ये जिंदगी? ये बेलों की सोच है,
जाओ वहां बैठ के सोचो, उठो। ये धन, ये लोभ, ये माया, क्या इन सब चीजों में वो खुशी है जो हमें चाहिए? नहीं चारू, नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपना सारा धंधा बंद करके मैं पहाड़ों की यात्रा पे निकल जाऊं और वास्तविक खुशी को खोजूं। खबरदार, खबरदार कहीं गए थे। अगर जाना है ना तो पहले सब कुछ हमारे नाम कर देना, फिर जहाँ जाना है जाओ। उठो उठो, अभी थोड़े ना जा रहा हूँ। ओहो, मुझे वहां गद्दियां रखनी है। चारू, मैं सोच रहा हूँ कि इन मैटेरियलिस्टिक चीजों से परे कुछ असली खुशी भी जरूर होनी है। चल तू मेरे साथ चल, उसी खुशी को खोजते हैं। रास्ते में गंगा पड़ेगी, दोनों गंगा में डुबकी मार के अपने पाप भी धो लेंगे। चल चल चारू, चल तू मेरे साथ चल। जी नहीं, इसकी जरूरत तो आपको है। वैसे भी मुझे अब तक कोई भरोसा नहीं। पता लगे मुझे वहाँ पहाड़ियों पे सुला के खुद आ गए यहाँ अपने पैसों और मायाओं के बीच में। चलो उठो। अब क्या हुआ? मुझे रजाई उठानी है। एक बल भी चैन से बैठने नहीं देती, सिस्टम ही नहीं खत्म होते। तू यहीं रह, मैं ही चला जाऊंगा निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम अपने घर और जिम्मेवारियों से छुटकारा पाना चाहते हो, भागना चाहते हो उनसे? मम्मी, मम्मी मैं अंदर आ जाऊं? आजा बेटा, कुछ चाहिए? मम्मी मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। बोल। पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जोगी हो गए हैं। मम्मी मैं ना अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहती हूँ। वेरी गुड। पर बेटा, एग्जीबिशन लगाने के लिए तो पेंटिंग्स चाहिए, और तेरे पास पेंटिंग्स कहाँ है? तेरे पास तो वो ड्राइंग बुक है ना। मैं बनाऊंगी ना 2 महीने में 25। हाँ? पर एग्जीबिशन और पेंटिंग्स मिला के कुल खर्चा 50,000 तक का हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, क्यों जी? मम्मी पापा इतने अजीब ढंग से क्यों हंस रहे हैं? बेटा दरअसल बात ये है कि तुम्हारे पापा को ना पैसों से लगाव नहीं रहा, इसलिए उनके लिए ये रकम बहुत छोटी है ना जी? 50,000 पेंटिंग है? बेटा मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये जो आर्टिस्ट पेंटर लोग होते हैं ना, ये गरीबी में भूखे मरते हैं। पर मुझे तो गरीबी में जीना पड़ रहा है। पुत्र, पेंटिंग पे खर्चा करना क्यों है? ऐसा करो, 2 खाली कैनवस ले लो और सड़क के किनारे बैठो। 1 खाली कैनवस के ऊपर लिख दो, ये क्लासरूम है और आज क्लासरूम में छुट्टी है, समझदारों ने उसे क्लासरूम समझ के खरीद लेना। और जो दूसरा कैनवस है, उस दूसरे खाली कैनवस पर 2 लकीरें मार दो, 1 ऊपर 1 नीचे, और उस पे टाइटल दे दो, जिंदगी और सांसें। जो ऊपर है वो ब्रीद इन, जो नीचे है वो ब्रीद आउट। बाय गॉड, कहता हूं इंटेलेक्चुअल्स ने पागल हो जाना है। देखा बेटा, देखा हमारा आइडिया? पर पापा मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, लोगों का चेहरा मेरी स्पेशलिटी है। मोनालिसा जैसा पोर्ट्रेट मैं भी बना सकती हूँ। मोनालिसा वही है ना जो दांत चबा के हंसती है? खबरदार उसका पोर्ट्रेट बनाया तो। उसे देखते ही हर बंदे को अपनी बीवी की याद आ जाती है जिसने उसका झूठ पकड़ा होता है। बनानी है तो अपनी माँ की तस्वीर बना जो कभी हंसती नहीं है। बाय गॉड, हर शादीशुदा औरत को लगेगा ये उसकी तस्वीर है। पापा, मम्मी की तो मैं ऐसी पोर्ट्रेट बना सकती हूँ जिसे देखते ही आप कूदने लग जाएंगे। सच्ची? इतनी नेचुरल बना सकती है? हाँ। अब निकालिए 50,000 इसकी तस्वीर के लिए। देखो पीती बेटा, मैंने पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया है और मुझे पैसे से प्यार भी बड़ा है, इस काम के लिए मैं हरगिज नहीं दूंगा। पर आप तो जोगी बनने जा रहे थे ना? जोगी बनने जा रहा हूँ पर दीवाना तो नहीं बनने जा रहा, पैसा कागज कर दूं। पर पापा, आपको पता है एक लेडी ने मुझे पेंटिंग्स बनाने के लिए एडवांस भी दिया है। आप 50 से लाखों कमाओगे। क्या बात कर रही हो, पेंटिंग से लाखों? कितने में खरीदेगी वो तेरी पेंटिंग? 50,000 में। एक एक पेंटिंग 50,000 में? सच्ची? सच्ची, बिल्कुल सच्ची। ओए हम लोग पागल थे जो अब तक पेंटर नहीं बने। लगा ले पुत्र, लगा ले एग्जीबिशन, मैं संभालूंगा सारा खर्चा। लेकिन आप तो जा रहे थे ना पहाड़ों पे नहीं खुशी तलाशने, नहीं जा रहे?
ओए नई खुशी यही मिल गई है, बैठे बिठाए लाखों का फायदा। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई कि लोग एक पेंटिंग का 50,000 रुपया देते क्यों हैं? ओ प्रेम पुत्र, तू कहीं जा रहा है? हाँ भाऊ, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने शहर से कहीं दूर हम दोनों जाकर सोचते हैं कि आखिर हमारा कोई काम क्यों नहीं पान रहा। चल चले। और रुक जा, मेरी टैचू ठहला है, थले रख, मूर किसे पासे का। ओए काका, हमारी जिंदगी का मकसद तो हमें पैदा होती नजर आ गया था जब आंख खुली, खूबसूरत नर्स को देखा, उसके हाथ में अस्पताल का बिल भी देखा, तो हम समझ गए जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर जेब में नोट हो तो। अरे लेकिन मैं तो कलाकार आदमी हूँ, मुझे नोट कमाने नहीं आते। यही तो मुझे चिंता सताती रहती है, तू है किसका यार? मेरा तो तू पुत्र हो ही नहीं सकता। हर बाऊ अपने पुत्र को उसके पाँव पर खड़ा करता है, फिर तू क्यों नहीं? जितने आपके बाऊ ने आपको दिए थे ना धंधा शुरू करने के लिए, उतने आप मुझे दो, फिर मैं दिखाऊंगा। हाँ दिखाएगा, दिखाऊंगा। जो मेरे बाप ने मुझको दिया था वो तुझको देता हूँ, फिर दिखा तू क्या दिखाता है। दिखाओ दिखाओ, ये ले। एक रुपया? आपने एक रुपए से धंधा शुरू किया था? हाँ पुत्र जी, वो भी दूसरे शहर में जाके। अरे मगर एक रुपए से जिंदगी थोड़ी ना बनती है। बन सकती है, एक शर्त पे बताऊंगा, अगर तू मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। नहीं मांगूंगा, मगर पहले ये बताओ कि एक रुपए से आप इतने अमीर आदमी कैसे बन गए? बताता हूँ, सब्र कर। मैंने ना एक रुपए से ना अपने बाप को टेलीग्राम भेजा, फिर ना इमरजेंसी दिखा के उनसे नोट मंगवा लिए। अरे कुछ तो देता जा, यहाँ पे इमरजेंसी क्या, जान पे बनाई है जान पे। वो बात सुनो, मुफ्त में सलाह दे दी है, काट है। अब जाके किसी को टोपी पहना और अपने बाप का ना चमका बस। अरे ये किस घर में पैदा कर दिया प्रभु तूने, करना था टाटा बिरला के, कर दिया घटिया लाला के। किधर गया, जाने दो। एक शरीफ गरीब आदमी कुछ कर तो नहीं सकता, सोच सकता है। जाता हूं, सोच के आता हूं। अरे किसने रोक लिया मुझे? हेलो, मायूस प्रेम स्पीकिंग। हेलो, नटखट अलवेली प्रीति स्पीकिंग। हाय, ये हंसी ये कहां कुछ सोचने देगी? प्रीति जी मैं जा रहा हूं। कहां? अपने आप को खोजने। अब वो आप बाद में जाइएगा, पहले आप मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में मेरी मदद करिए। उससे जो पैसा आएगा ना, उससे हम एक घर तो खरीद ही लेंगे, बाकी खर्चा आपको करना होगा। अरे उसी के लिए तो जा रहा हूँ खोजने, कि मैं ऐसा क्या कर सकूँ जिससे पैसे कमा सकूँ। सिंपल है, जिसमें आपका दिल लगे वो करिए। मेरा दिल तो शायरी करने और लोगों को चुटकुले सुनाकर उन्हें खुश करने के लिए करता है, मगर उससे पैसा कहाँ मिलता है? मिलेगा, संजना जी कहती है जिस काम को करने में आपका मन लगे, जिसमें आपका मन करे वही आपको करना चाहिए। अरे एक तो शायरी आजकल किसी को कुछ समझ आती नहीं, और जोक सुनाओ चुटकुले सुनाओ तो लोग मुझे जोकर समझते हैं। तो भी आप वही करो, दूसरों के कदमों के निशानों पे चलने से आप कोई निशान नहीं छोड़ते, मगर जो लोग अपनी राह खुद ढूंढते हैं वो अपने कदमों के निशान जरूर छोड़ते हैं। अब ये आपसे किसने कहा? मैंने किताब में पढ़ा था। ओहो प्रीति जी, मान लीजिए अगर मैं जोकर बन गया और तो भी मुझे कुछ ना मिला तो? कुछ कैसे नहीं मिलेगा, मैं मिलूंगी ना। सच? अरे खोज लिया रे, जिसने प्यार खोज लिया उसने सब कुछ खोज लिया। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। क्या हुआ, गले में कुछ खराबी है? कहे तो गले के लिए कुछ भेज दूं? हाँ, मेरे गले के लिए एक हीरो का हार भेज दीजिए। हम तुम युग युग ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हाँ भाई खुश हूँ। अरे भाई शादी के बाद आदमी खुश रह सकता है, ऐसी क्या बात है, आप भी खुश रह सकते हैं अगर आप अपनी पत्नी को दुनिया की सबसे हसीन औरत समझें, उसे हर बात सच सच बता दें, उसे अपनी जिंदगी का शरीक हयात यानी इक्वल पार्टनर समझे, तो भाई आप लोग भी मेरी तरह खुश रह सकते हो। अरे पियाजी, वाह पियाजी वाह, क्या लग रही हैं आप, शादी के बाद पहली बार नहाई हैं आप।
मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको इस रूप में पहली बार देखा है जस्ट नहाने के बाद। मैं नहाई नहीं हूं अब तक। अच्छा, तो ये नहाने से पहले ब्यूटी है। पिया जी, नहाने के बाद तो आप कमाल लगेंगी। वैसे दरअसल ये जो चंद शबनम की बूंदें आपके माथे और बालों पर लगी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप शायद नहा के तशरीफ ला रही हैं। ये पसीने की बूंदें हैं। पिया जी, आपको पसीना बहाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी शादी के बाद आपका बोझ उठाना ठीक नहीं है। ये आपका बोझा है जिसमें आपके बेकार कपड़े हैं जिन्हें मैं बाहर फेंकने जा रही हूँ। पिया जी, इन कपड़ों ने आपसे कुछ कहा? मैंने आपको सुबह आपका कबर साफ करने के लिए बोला था ना, आपने किया? नहीं किया। तंग आ गई हूँ आपके पुराने कपड़े और आपकी पुरानी चीजें संभालते संभालते। अब पिया जी, सबसे पुराना तो मैं हूँ। वैसे इनमें मेरे दो नए सूट भी हैं। हाँ, पर सिले तो 1955 के है ना। अच्छा, वो जो नल बह रहा है उसके लिए मैंने प्लम्बर को बुलाने के लिए कहा था, बुलाया आपने? अरे वो नल तो सदियों से बह रहा है पिया जी, उसकी धुन सुन सुन कर तो हमें नींद आती है। नहीं बुलाया ना? पिया जी, देखिए, मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और क्योंकि मुझे सच बोलना है तो सच बोलूं तो नहीं बुलाया। आप कुछ भी काम नहीं कर रहे जो मैं बोल रही हूँ, क्या फायदा है आपका? फायदा है मेरा पिया जी, मेरे बड़े फायदे हैं। कोई भी तो काम ठीक से नहीं हो रहा है इस घर में, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा ये घर। चलेगा पिया जी, बल्कि ये घर दौड़ेगा। अब घर जो है प्लम्बरों और कबर साफ करने से थोड़ी चलते हैं, ये तो प्यार मोहब्बत से चलते हैं, एक दूसरे की गलती माफ कर देने से चलते हैं। रहने दीजिए, आप तो मुझे बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, घर की सफाई में तो कुछ भी हाथ नहीं बटा रहे आप। क्या कह रही है पिया जी, सफाई में तो मैं बहुत ध्यान देता हूँ। हाँ, बस सफाई पर ही ध्यान नहीं देता। पिया जी नाराज मत होइए, भाई मुझे इस बात का क्रेडिट तो दीजिए कि जो जो काम मैंने नहीं किए वो आपको सच सच बता दिया। और दूसरी बात ये कि जब मैंने आपको हर चीज़ में इक्वल पार्टनर माना है तो आप भी मेरी छोटी मोटी कमजोरियां बांट लीजिए ना। देखिए महेश जी, मुझे आप में कोई कमजोरी पसंद नहीं है, खास करके ये छोटी छोटी बातें। मैंने आपको अपना आइडियल आदमी समझा है, तो मेरी खुशी के खातिर और इस घर के खातिर प्लीज आप जल्द से जल्द अपने आप को सुधार लीजिए, ठीक है? ओके? पता नहीं इतना कहने के बाद सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को उतना ही सच बोलना चाहिए जितने की जरूरत है। और जो पति कहता है कि उसकी पत्नी हर चीज में इक्वल की पार्टनर है, बेचारा भोला है, उसे ज्यादा समझ नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो या तो बिजनेस में होती है या ताश की ब्रिज गेम में। शादी में नहीं भैया, नहीं होती शादी में।